तो जैसे कि सारा दिन ना हम हाउसवाइफ्स के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब कि कभी कभी चैलेंजिंग वाला हो जाता है डे। तो उस दिन को ना हम लोगों को अच्छे से मैनेज करने के लिए कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये डे भी जो है ना बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्सो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले ना सुबह उठे, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके ना अगर हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे तो सारा दिन जो है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है। तो नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो भी अगर मल्टीविटामिन कैप्सूल्स वगैरह टैबलेट वगैरह लेती हैं ना, तो आप उस वक्त ले लें, फिर थोड़ा एक्सरसाइज़ कर ले। जी हाँ, क्योंकि सेहत के लिए एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, पर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकाल ले, उसके बाद ना थोड़ा सा पानी पी ले। जी हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही ज़रूरी है पानी ज़रूर से ज़रूर पी ले। फिर पानी पीने के बाद ना जैसे डेली रूटीन में हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है वो ज़रूर से ज़रूर ले। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता था मॉर्निंग में कुछ भी खाने के लिए, ऐसा लगता था ना कि वॉमिट हो जाएगा। बट अभी जो है, अभी करके मैं क्या करती हूँ ना, धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आने लगा अल्लाह के करम से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मतलब कि दिन की शुरुआत ही अगर हम लोग सही ढंग से नहीं करेंगे ना, तो सारा दिन हम लोगों का बिल्कुल भी ख़राब सा जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सुबह में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्दी खाएं, क्योंकि मॉर्निंग का जो खाना है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दिन में चाहे तो थोड़ा बहुत स्किप कर भी सकते हैं, आई मीन नॉर्मल जैसे कि थोड़ा बहुत भी खा लेंगे तो चलेगा, बट मॉर्निंग में आपको ज़रूर से ज़रूर ब्रेकफास्ट लेना है। और ना मैं एक अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है ना कि जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ या खाती हूँ, मतलब कि मेरा एक ना हैबिट सही हो गया है ये अगर बोलो तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कि तीन जो कुल होते हैं ना वो मैं पढ़ती रहती हूँ हर वक्त। मतलब कि मुझे आदत सा हो गया है, ये समझ में नहीं आता, मुँह से खुद ब खुद वो निकलने लगता है। तीनों कुल पढ़ती हूँ, अलहमद पढ़ती हूँ, उसके बाद में फिर तब दरुज़ शरीफ पढ़ती हूँ। ये जो पांच चीज़ें हैं ना ये हर वक्त मेरे ज़बान पे रहते हैं, तो हर वक्त मेरे लफ्ज़ पे रहते हैं, और मैं इसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब कि आगे भी पढ़ती रहूँगी। पर ऐसा नहीं कि मुझे खुद अंदर से मतलब एक फीलिंग होता है कि हाँ ये पढ़ना है, और खुद ब खुद ये मेरे मुँह से निकलने लगता है। तो इस वजह से, और जब से मैं ये पढ़ना स्टार्ट की हूँ ना, बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं, आई मीन जब से शादी मेरी हुई है ना, समझिए उसके बाद से जो मैं काम करना शुरू की हूँ। पहले मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी घर पे, और जो मैं यहाँ पे आने के बाद जो काम करना स्टार्ट की हूँ ना, उसके बाद समझ लीजिए आप 8 साल तो लगभग हो ही गए हैं। तो मैं इस तरीके से ना बस ये सारे चीज़ को पढ़ती रहती हूँ, और आप यकीन मानिए कि ये पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ते रहेंगे और कुछ भी अगर आप काम करेंगे या खाना बनाएं कुछ भी करेंगे ना, वो बिल्कुल भी परफेक्ट होगा और बहुत सुकून भी मिलता है। तो इस वजह से मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, आई मीन आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे अपने आदत पर डाल लें, अपने डेली रूटीन में ना इसे शामिल कर ले। देखिएगा आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और यहाँ तक ना कि मैं अगर कपड़े वगैरह भी धोती रहती हूँ ना, तो तब भी ये मेरे मुँह से निकलता रहता है। आई मीन ज़ोर से नहीं बोलती हूँ, मन में ही मैं ये सारे चीज़ों को ना पढ़ती रहती हूँ, और मुझे इतनी सुकून मिलती है ना बार बार, मैं आपको यही कहूँगी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसे आज़मा करके देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है अरोमा थेरेपी। जी हाँ, सुबह में हम लोग क्या करते हैं ना, जब अपने घर की सफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है घर वगैरह वगैरह जब हम लोग पोछा लगाते हैं ना, तो फिनाइल से ही करते हैं, तो उसकी जो स्मेल है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग क्या करें ना, कुछ खुशबू वाले चीज़ को घर में लगा दें, आई मीन अगर अगरबत्ती आप जला सकते हो, या फिर कुछ ऐसा परफ्यूम है ना तो घर में थोड़ा सा छिड़क दे, तो वॉल में लगा दे, तो बहुत देर तक वो परफ्यूम की खुशबू जो है ना वो घर में रहती है।
तो इस तरीके से अगर कर देंगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ना आप लोग भी ऐसे करके देखें तो आप लोग भी मुझे बताएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा मोटिवेशनल थाट्स है ना वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है ना वो है गेट रेडी फॉर द डे। जी हाँ, हम लोग इतना सारा कुछ काम करने के बाद ना फिर थके हारे बस चुपचाप से बैठ जाते हैं, खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, पर खुद के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचे। आप अच्छे कपड़े पहने घर पे, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, जस्ट जैसे भी रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था ना, खुद को फील होता था कि मैं एक काम वाली हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को ना खुद का ज़रूर ध्यान रखना है, खुद को मेंटेन रखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने घर पर, फिर कुछ खुशबू लगाएं, फिर आपको ना अच्छे से रेडी होकर के रहना है। ये नहीं कि जब बाहर जा रहे हैं तभी रेडी होना है, नहीं, ऐसा सोच बिल्कुल भी गलत है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मेरी भी सोच ऐसी ही थी, पर अब मैं थोड़ी थोड़ी अपने आप को, खुद को मैं चेंज कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही ख्याल रखते, ऐसी ही सोच रखते हैं ना, तो आप लोग भी इस सोच को बदल दे, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। और शौहर के लिए तो ख़ास करके ये घर पे ज़रूर से ज़रूर सज धज के रहना चाहिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि पार्टी में जैसे जाती हूँ वैसे सज धज के, बट थोड़ा बहुत तो अच्छे से फिट फाट रहना ही चाहिए। तो ये तो यार हम लोगों को बनता ही है हाउसवाइफ्स को, तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ज़रूर आजमाएं, ज़रूर से ज़रूर करें लाइफ में, देखिएगा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यही था मेरा आज का कुछ ना मोटिवेशनल थाट्स। तो आप लोगों को मेरा थाट्स कैसा लगा आज का, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके कमेंट्स भी कीजिएगा, आपके कमेंट्स से बिना मुझे मोटिवेशन मिलती है और लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी मिलती है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपने घर के फैमिली का और खुद का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जब मैंने बोला है ना उसे भी ध्यान पे रख करके ही काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।